जय श्री कृष्णा। गीतांजलि आपका मसाला चम्मच में स्वागत करती है। मेरी बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि मैं उनको समोसे बनाना सिखाऊं, तो आज मैं उन्हीं की रिक्वेस्ट पे आपको बनाना सिखाऊंगी समोसे। हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाते हैं समोसे, जिसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम मैदा और इसमें 8 से 10 समोसे बनकर तैयार होंगे। ये लिया है मैंने उबली हुई मटर, आप चाहें तो फ्रोजन मटर भी ले सकते हैं। 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू, अपने समोसे को खस्ता और बाजार जैसा बनाने के लिए रिफाइंड ऑयल, स्वाद अनुसार लेंगे नमक और फिलिंग के लेंगे कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च, कटा हुआ या कद्दूकस किया हुआ अदरक और अपनी मसाला चम्मच से कुछ मसाले लेंगे, जैसे लाल मिर्च पाउडर, जीरा, अजवाइन, अमचूर पाउडर, चाट मसाला, हल्दी पाउडर और कुटा हुआ साबुत धनिया। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने समोसे का डो बनाना या आटा लगाना, तो मैंने एक डोंगा ले लिया है, इसमें मैं अपने सारे आटे को कर दूंगी। और अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए समोसे बना रहे हैं तो आप इसकी क्वांटिटी को डबल कर लें। इसमें डालेंगे मैं अजवाइन, क्योंकि अजवाइन बहुत इम्पॉर्टेंट भी होती है समोसे के लिए और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और स्वाद अनुसार नमक, आप नमक थोड़ा हल्का ही रखें क्योंकि फिलिंग में भी नमक होता है। अच्छे से हम अपने नमक अजवाइन को मिला लेंगे और इसमें हम डालेंगे एक मीडियम साइज का चम्मच से रिफाइंड ऑयल। और आपको रिफाइंड की क्वांटिटी कैसे चेक करनी है मैं भी आपको बताती हूँ। जब आप ये डो बनाएं तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने ऑयल और आटे को एक मुट्ठी बनाकर देखें आप। अगर आपको परफेक्टली मुट्ठी की फॉर्म में डो तैयार हो रहा है तो देखिए एकदम परफेक्ट ऑयल है, और आपको थोड़ा कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी लेके आपको एक सख्त डो बनाना है, तो आप पानी का इस्तेमाल बहुत कम करें और थोड़ा थोड़ा ही करें। आप ध्यान रखें आपका आटा थोड़ा लचीला नहीं होना चाहिए, हमें पूड़ी पराठे जैसा नहीं लगाना है। देखिए इस तरीके से हमारा होना चाहिए, ये एकदम सख्त डो है। और इसको अब हम आधा घंटे के लिए रेस्ट करने देते हैं। जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है तब तक हम अपनी फिलिंग को तैयार कर लेते हैं। इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है, आप चाहें तो देसी घी या कोई भी वेजिटेबल ऑयल या कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। और अपने आलू को मैंने मैश कर लिया है। ऑयल को गर्म होने देते हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे जीरा, कटी हुई हरी मिर्च और अदरक। आप अगर इस वक्त हरी मिर्च मिलाते हैं ऑयल में तो हरी मिर्च का थोड़ा तीखापन कम हो जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो हल्का सा इसको भुनने देते हैं। देखिए बहुत अच्छे से हमारी हरी मिर्च अदरक भुन रहा है, इससे हमारी फिलिंग बहुत टेस्टी टेस्टी बनकर तैयार होगी। अब हम इसमें मिलाएंगे हमारी मटर। मैंने ऑलरेडी बॉयल मटर लिया है, अगर आप फ्रोज़न ले रहे हैं तो आप उसको 15 से 20 मिनट के लिए हल्के गुनगुने पानी में रख दें तो वो भी ईजली पक जाएगी। और इस टाइम थोड़ा सा और इस वक्त ही हम मिलाएंगे हमारे मसाले, साबुत धनिया है जो मैंने कूट कर लिया है, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आपकी फीलिंग पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छे से अपने मसालों को आप पका लें क्योंकि इसमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारी फिलिंग का टेस्टी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है समोसे में। और देखिए मैंने रफली इनको मैश किया है क्योंकि बड़ा बड़ा आलू समोसे में बहुत अच्छा लगता है। तो आप अपनी फिलिंग को अच्छे से भुन जाने दें, 4 से 5 मिनट के लिए इसको पकाएं, जिससे हमारे मसाले भी अच्छे से मिक्स हो जाएं और इसमें भी हमारे सारे मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छी से आ जाए।
अब हम इसमें मिलाएंगे स्वाद अनुसार नमक, और आप नमक ध्यान से लें क्योंकि हमने समोसे की पूरी के लिए भी नमक लिया है। इसमें मिलाएंगे हम चाट मसाला और अमचूर पाउडर, कटा हुआ हरा धनिया, और अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएं, सारी चीज़ें आपकी मिक्स हो जाएं और चाट मसाला अमचूर पाउडर का फ्लेवर आ जाए। हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं दिखाती हूँ, आधा घंटा हो गया है हमारे समोसे के डो को, और इसको अब हल्का सा और गूंथ लें, सॉफ्ट हो जाएगा ये हाफ एन आवर के रेस्ट के बाद। इसको स्मूथ टेक्सचर में ले आए ताकि हमारा समोसा एकदम अच्छा अच्छा बने। अब हम इसको 4 से 5 पार्ट में या पेड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए मेरे 5 पेड़े बनकर तैयार हुए हैं। आपका जितना हो उसके अकॉर्डिंग आप मीडियम साइज़ के पेड़े बनाकर तैयार कर लें। अब धीरे धीरे हल्के हाथ से आप अपनी समोसे को पूरी को बनाएं, और इसको ओवल शेप में ही बनाएं क्योंकि समोसे की शेप फिर बहुत अच्छी आएगी। और आप इसकी थिकनेस को थोड़ा पराठे की तरह रखें, न ज़्यादा पतली न ज़्यादा मोटी, क्योंकि आपका समोसा तभी बहुत अच्छा बनेगा। और अगर आपको बार बार उठा के इसको बेलने में दिक्कत आ रही है तो आप चकले को घुमाकर भी अपनी पूरी को बना सकते हैं। इसमें ऐसा शेप का कोई इशू नहीं है, आप किसी भी शेप में बना सकते हैं इसको। अब इसको हम बीच में से कट कर लेंगे। एक पेड़े से हमारे 2 समोसे बनकर तैयार होते हैं। तो देखिए मैं एक पार्ट को रख देती हूँ और इस पार्ट से मैं आपको समोसे की शेप बनाना सिखाती हूँ। इस कॉर्नर पे आप थोड़ा सा पानी लगा दें और इसको आप अच्छे से थोड़ा सील करें। आप चाहें तो पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कंप्लीटली इसको अच्छे से स्टिक कर दें। ये खुलनी नहीं चाहिए हमारी ऑयल में डालने के बाद। और इस शेप को बिल्कुल कॉर्नर शेप लें और देखिए बिल्कुल हल्के हाथ से एकदम अच्छे से अंदर से भी थोड़ा प्रेस कर करके आप सील करें और इस तरीके की कॉर्न शेप बना लें। अब इसमें हम फिलिंग भरेंगे। आप अपनी शेप और साइज़ के अकॉर्डिंग फिलिंग लें। आप ज़्यादा फिलिंग का इस्तेमाल नहीं करें वरना आपके समोसे तेल में जाने के बाद खुलने का थोड़ा डर रहता है। अब इसको थोड़ा स्पून से या अंगूठे की हेल्प से प्रेस कर दें अपनी फिलिंग को। और एक ज़रूरी टिप, आपका जो एक कॉर्नर ज़्यादा वाला है उसमें आप एक चुन्नट डालें या थोड़ा सा उसको फोल्ड करें, जिससे बीच से आप टच करेंगे तभी आपकी परफेक्ट समोसे की शेप आएगी। तो देखिए मैंने आपको बहुत आसानी से सिखाया है किस तरीके से सील करना है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, आपको फर्स्टली पहले मिड में इसको जॉइंट करना है, उसके बाद आप पूरे समोसे को सील करें। और इस तरीके से आपका समोसा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से मैं अपने बाकी समोसे भी बना लेती हूँ। सेम कॉर्नर्स में पानी लगाएं, और अगर आप बहुत बड़ी शेप का समोसा बनाना चाहते हैं तो आप अपनी पूरी को थोड़ा बड़ा बनाएं, तो आपका एकदम बड़ा समोसा बनकर तैयार होगा। जैसे ये मेरा थोड़ा उससे बड़ा समोसा है, उसी तरीके से सेम फिलिंग को डालें। अगर आपको उसमें थोड़ा दिक्कत हुआ है तो देखिए मैंने इसमें भी आपको सिखाया है कि किस तरीके से आपको सील करना है। आप सील का ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है और ऑयल कर दिया है अपने समोसों को तलने के लिए। आप ऑयल को लो मीडियम ही रखें फ्लेम पर, वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए वरना हमारे समोसे पर पपड़ी आ जाएगी। तो इसलिए आप बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम रखें और धीरे धीरे ही अपने समोसे को पकने दें, तभी वो खस्ता बनकर तैयार होंगे। मैंने इसमें अपने 5 समोसे डाल दिए और आप इसको छेड़े नहीं जब तक वो एक साइड से पक कर ऊपर नहीं आ जाते, फिर आप बीच में इनको चेंज कर लें। और देखिए 20 मिनट हो गए हैं मेरे समोसों को, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने इनको पकने दिया है
और देखिए मेरे टेस्टी टेस्टी एकदम समोसे बनकर तैयार हैं। आप इस चटनी की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मैं इसकी रेसिपी आपको ज़रूर शेयर करेंगी। मेरी समोसे की रेसिपी आपको कैसी लगी हो मुझे ज़रूर बताइएगा। और भी मेरे जो प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, अगर वो अपनी कोई फेवरेट डिश बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, धार्मिक को घंटा जरूर बजा दें। धन्यवाद।